वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो हाकम सिंह रावत जो कि इसमें पूरे उत्तराखंड में रोजगार पुरुष के नाम से फेमस हैं, कल जो है एसटीएफ ने उनको अपने हाथों में ले लिया है। अपने हाथों में लेने के बाद जब उनकी खातिरदारी अच्छे से हुई तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। चलिए उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है कि अब क्षेत्र पंचायत सदस्य आई रडार पर आज हो सकते हैं बड़े खुलासे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उसके अलावा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा नोटिफिकेशन ऑल के साथ, क्योंकि बड़ी खबरें दिन ब दिन जो है निकलते सामने आ रहे हैं। याद हो इससे पहले जो दो बड़ी खबर आ रही थी कि एक क्षेत्र पंचायत और एक जिला पंचायत दोनों जो है शक के दायरे में आ गए हैं। तो जिला पंचायत तो आ गए हैं रडार में, अब बाकी है क्षेत्र पंचायत की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिग ब्रेकिंग निकल के सामने आ रही है कि अधीनस्थ सेवा पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी की एक क्षेत्र पंचायत सदस्य एसटीएफ की रडार पर है। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह खोलेगा बड़े राज, आज एसटीएफ करेगी बड़े खुलासे सूत्र। तो ब्रेकिंग न्यूज निकल के यही निकल के आ रही है सामने। याद हो इसमें एक फीमेल जो है अभियुक्त, उनकी भी जो है संभावना जताई जा रही है। अब शायद ये वही हो सकते हैं क्योंकि जो वर्डिंग यहाँ पर आप है आप उसको समझ सकते हैं कि अब क्षेत्र पंचायत सदस्य आई रडार पर। आई का मतलब स्वाभाविक सी बात है ये कोई फीमेल ही है, और जो एसटीएफ ने पहले संभावना व्यक्त की थी कि एक जिला पंचायत और एक दूसरी जो है क्षेत्र पंचायत है। तो आई थिंक बहुत बड़ी खबर ये अभी और कुछ घंटों में आपको देखने को मिल सकती है। बाकी हमारी प्रॉपर नज़र इस पर बनी हुई है, कोई भी अपडेट आएगी हम रेगुलर आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर परिवार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।